जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पढ़ा। थंबनेल पर जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही है, और आप अगर एक गलती करते हैं तो आपकी आईडी जो है कंपनी के द्वारा टर्मिनेट की जा सकती है। चलिए जानते हैं क्या कारण है जिस वजह से मैंने ऐसा बोल दिया। दोस्तों, आईएमसी कंपनी भारत की एक ऐसी इकलौती कंपनी दोस्तों जो आयुर्वेद को पूरी तरह से प्रमोट कर रही है। लेकिन दोस्तों, कई दिनों से दोस्तों हो ये रहा है दोस्तों कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी रिसर्च करके तैयार करती है, उन प्रोडक्ट के साथ काफ़ी छेड़छाड़ हो रही है, और कंपनी अपने ग्राहकों के साथ ऐसी छेड़छाड़ को बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इसीलिए कंपनी जो है दोस्तों आए समय पर दोस्तों कुछ ना कुछ चेतावनी दे करके उन्हें अवेयर करने की कोशिश करती है। और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं दोस्तों कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंपनी के जो है बहुत सारे जो ऐसे प्रोडक्ट जो कि मार्केट में बिकने चाहिए, जो कि लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बिकने चाहिए, वो डायरेक्ट बेचे जा रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट हैं, या फिर बहुत पुराने हैं, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा जो है अपने खुद के प्रोडक्ट डेवलप करके सिर्फ फोटोकॉपी चिपका करके दोस्तों आपको जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। और ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन ऑर्डर लगा रहे हैं वे सभी यही क्वेरी लेकर आ रहे हैं कि उन्हें जो प्रोडक्ट भेजा गया है वो कहीं ना कहीं एक्सपायर है, या फिर वो ख़राब हो चुका है, या फिर उसकी जो क्वालिटी का इश्यू है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग जो है आईएमसी कंपनी के प्रोडक्ट पर शक करने लग जाते हैं। और कंपनी क्योंकि इस प्रोडक्शन को बहुत ही मेहनत करके तैयार करती है, और हर एक प्रोडक्ट के रिसर्च को बहुत ही स्पेशली तरीके से देखती है, और हर एक प्रोडक्ट के रिसर्च में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है वो काफ़ी लंबे समय तक, कई महीनों तक, कई सालों तक जो रिसर्च करती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जो है इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग दोस्तों कंपनी से ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में कहीं ना कहीं मार्केट में जो है अपनी डिमांड को जो है सीधे दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों कंपनी का मानना है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं, और कंपनी ने इसके लिए कुछ नोटिस भी जारी किए हुए हैं, जिसमें से एक नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ। आईएमसी उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स पोर्टल, वेबसाइट के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है। मतलब आईएमसी ये नहीं चाहती कोई भी उसको ऑनलाइन बेचे, क्योंकि कंपनी का खुद का ई प्लेटफॉर्म है जिस पर कंपनी खुद प्रोडक्ट बेचती है, और वहाँ से आपको सीधे डिलीवरी दी जाती है बिजनेस वॉल्यूम के साथ। हमेशा आईएमसी स्टोर से मूल वास्तविक आईएमसी उत्पाद खरीदें, क्योंकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स पर बेचे जा रहे हैं। बिंदु दो के अनुसार उपयुक्त चैनलों से खरीदने के अलावा आईएमसी बिंदु एक में उल्लेखित अनाधिकृत और नकली चैनलों से खरीदे गए उत्पादों की गारंटी नहीं देता है। मतलब कि आपको कंपनी जो है ये ट्रस्ट दिलाती है कि आप अगर वहाँ से लेते हैं तो वो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन हमारे पास से लेने पर वो डुप्लीकेट नहीं होगा। ग्राहकों और नकली विक्रेताओं को अनाधिकृत चैनल के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों या विवादास्पद मुद्दों के लिए आईएमसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो दोस्तों आपको इस बात का याद रखना है, अगर आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपके साथ ये हो सकती है कि आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल सकता है। दूसरी चीज़ कि आप दोस्तों वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं लेंगे जो आपको कंपनी देती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने टाइटल में जो लिखा था कि एक गलती और आईडी टर्मिनेट, इसका मतलब ये था दोस्तों कि ये जो लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, जो अपना स्टॉक कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे जो बड़े लीडर्स भी हैं इसमें शामिल, जो कि अपना बहुत सारा जो स्टॉक अपने लेवल को बढ़ाने के लिए खरीद लेते हैं और फिर उसे ऑनलाइन के माध्यम से बेचते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति, एसोसिएट या फिर कोई भी तहसील डिस्ट्रीब्यूटर या बड़ा लीडर जो है अगर ऐसी गतिविधि में अगर सम्मिलित पाया जाता है तो कंपनी मैनेजमेंट का सीधा ये टारगेट हो सकते हैं, और उन्हें डायरेक्ट जो है उनकी आईडी टर्मिनेट की जाएगी, और ये एक सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये उसके खिलाफ होने वाली घटना है, और ऐसे में दोस्तों किसी कंपनी की फेस वैल्यू दोस्तों ख़राब भी हो सकती है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई सारे लोगों की आईडी डिलीट भी की गई है। पूर्व में बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट बेचते पाए गए हैं, और उनका जो है जो टी नंबर होता है या जीएसटी नंबर होता है उसके आधार पर वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाती है। तो दोस्तों और अधिक जानकारी आप चाहते हैं आईएमसी हर्बल इंडिया.com पर विजिट करें, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।